हमारा पंचायत में पहले सब गांव में लेटरिन वगैरह पानी वानी हर चीज़ सुविधा था, लेकिन हमारा गांव में थोड़ा नहीं था। हमारा एक ऐसा महिला संगठन गड़ी है, हमारा गांव में अभी हो रहा है। समस्त गाँव रे तो टॉयलेट होची, हमर गाँव रे हर पंचायत में देखा जाए तो हर गांव में टॉयलेट्स वगैरह बने हैं, हमारे गांव में क्यों नहीं। तभी जाके ये सारे महिलाएं इकट्ठा होके हमारे ब्लॉक में जाके ये सारे टॉयलेट्स के लिए एप्लीकेशन वगैरह देके आए। पैखाना नथिला बड़े बहुत पैखाना या टॉयलेट वगैरह नहीं था, तभी बहुत हम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। जैसे डिलीवरी माएँ हैं या फिर छोटे छोटे बच्चे हो या बूढ़ी माएँ हैं, जो भी हैं, हम लोगों को 2-3 किलोमीटर तक टॉयलेट जाना पड़ रहा था, चाहे बारिश हो जो भी हो। कोई देख लेता हो, कोई शर्म आएगा, तो ऐसा बहुत फीलिंग्स होता था। हमें जत बड़े बस हम तो बहुत सीरियसली पेट काटी वो। हम लोग रात में अगर पेट वगैरह दुखता है या तबीयत वगैरह खराब होता है या लूज मोशन वगैरह हो जाता है तो हम लोगों को जंगल में जाना पड़ता है। जंगल में जाने से हम लोगों को सांप वगैरह का डर भी था, भालू शेर वगैरह का भी डर था। उसके साथ साथ हमारे जो भी जेठानी है जेठ है वगैरह, वो लोग भी अगर टॉयलेट वगैरह जाते हैं तो हम लोगों को शर्म तो आती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, टॉयलेट तो हमको जोर से लगी हुई है, तो उनके सामने भी हमारे शर्म को झुका के हुए भी हम भी टॉयलेट करके आते हैं। लेडीज जेंट्स दोनों को प्रॉब्लम होती थी। अरे ये हम लोगों का पास टॉयलेट अगर बन गया तो इस वजह से हम लोगों का टाइम भी बचता है, और उसके साथ साथ आधी रात में हो जो भी हो किसी का कोई भी समस्या होता है तो टॉयलेट जाने के लिए कुछ भी नज़दीक में टॉयलेट हो गया तो वो वहाँ पे जा सकते हैं। बाहर में हम पानी रखते हैं, पानी लेटरिन करने के बाद में आके हाथ पाथ सफाई करते हैं। बच्चे लोग को भी हमने बोला है बाबू ये सफाई करके निकलो, नहीं तो ये अच्छा नहीं है बोल के बोलते थे। पहले क्या एक लोटा में लेके जाते थे बेड के पास, उसको साफ करके आ जाते थे। अभी ऐसा नहीं है, लेटरिन होगा तो बाहर में एक टैंकी भी बना दिया, टैंकी में पानी रखते हैं, साबुन रख के उसको साफ करके ही आते हैं। पानी बहुत असुविधा अच्छी चीज, टॉयलेट बनाते हैं उसके लिए तो पानी की सुविधा ही तो ज़रूरत है ना। यहाँ तो बोरिंग से पानी लेके तो हम टॉयलेट में नहीं डाल सकते, तो इसीलिए ये लोग गए थे ब्लॉक में, गए थे ब्लॉक के बाद वो सुना नहीं तो RWS ऑफिस भी गए थे, जो कि जेई इंजीनियर से बात करके भी आए थे। वो तो वो बोले कि हाँ एक दो साल तक लगेगा, लेकिन आपका जो सप्लाई पानी का कनेक्शन आएगा, लेकिन अभी जो है कि हम लोग बोरवेल का कनेक्शन ही दे सकते हैं आपको, अभी सप्लाई पानी का नहीं दे सकते। अभी ये गांव में 130 घर हैं, 130 घरों में से 90 घरों का टॉयलेट बन चुका है और बाकी के अभी बनने वाले हैं। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से हम यूज कर रहे हैं और अच्छे से टाइम भी बच रहा है। और जबकि यही चीज सब व्यवहार करते हैं, बाकी तो अच्छी। जब शादी करके आई तब से लेके गांव में टॉयलेट कर के आज तक नहीं हुआ। इतने सालों के बाद हमारे घर गांव में टॉयलेट अगर आया है तो महिला संगठन के साथ जुड़ने के बाद हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। टॉयलेट आए बहुत खुशी लगुच, आर अलग अलग काम मिसा में पाइबू बोलकर हमारा आशा बहुत अच्छी।